नमस्कार दोस्तों, बिहार एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, झंझारपुर और महरेल के बीच लगातार धुआंधार काम हो रहा है और झंझारपुर महरेल के बीच ट्रैक पैकिंग मशीन लगातार काम कर रही है। आप ये देख सकते हैं, झंझारपुर रामपुर चौक के पास ये ट्रैक पैकिंग मशीन जो है वो ट्रैक को लेवल कर रही है। जो वीडियो आप बिरजू ठाकुर की सौजन्य से आप तक पहुँच रही है, तो झंझारपुर और महरेल के बीच लगातार रोज़ाना कुछ न कुछ काम जो है वो किया जा रहा है और मार्च तक इस पर ट्रेन चलने की उम्मीद जो है वो जताई जा रही है। और ये काफ़ी हद तक दिख भी रहा है क्योंकि लगातार इस रूट में काम जो है वो लगातार जारी है और हमेशा काम जो है इस रूट पर होता ही रहता है। तो इसको देखकर ऐसा लगता है कि मार्च में लोगों को ट्रेन जो है वो मिल सकती है। होली के शुभ अवसर पर महरेल से लेकर दरभंगा और झंझारपुर के बीच जो है ट्रेन चल सकती है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। और अगर बात की जाए महरेल से आगे खुटौना वाचस्पति नगर, तो इसमें अभी जो है वो टाइम लगेगा और ये इस साल उम्मीद जो है वो कम लग रही है। अगले साल यानी कि 2024 में खुटौना से वाचस्पति नगर तक जो ट्रेन चल सकती है, लेकिन अभी फ़िलहाल महरेल से झंझारपुर के बीच ट्रेन चलाने की कोशिश की जा रही है। और झंझारपुर से महरेल के बीच ट्रेन चलने के बाद लोगों को काफ़ी सुविधा होगी क्योंकि इस रूट पर 6 सालों से ट्रेन जो है वो बंद है। तो कम से कम झंझारपुर से महरेल 6-7 किलोमीटर है, तो इतना दूर कम से कम ट्रेन जो है वो लोगों को मिल पाएगी, जिसकी पूरी तैयारी चल रही है। जो आप तस्वीर अभी आप देख रहे हैं, ये बिरजू ठाकुर की सौजन्य से आप तक ये वीडियो पहुंच रही है। तो आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि इसी तरह की हर अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक देखते रहिए बिहार एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल।